नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे हालात के बीच मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है कि भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आयकर विभाग ने बुधवार को हीरो मोटो कॉर्प के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन मुंजाल के गुरुग्राम स्थित आवास और कार्यालय पर छापा मारा है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है, मुंजाल के ठिकानों पर आईटी विभाग के छापे की कार्रवाई तड़के सुबह शुरू हुई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण गृह मंत्रालय ने कोविड रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार फेस मास्क के इस्तेमाल सहित कोविड रोकथाम उपायों पर सलाह जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला ससुराल में रहने की हकदार है। ये अधिकार हिंदू विवाह अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार से अलग है जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली से संबंधित है। अदालत ने यह टिप्पणी महिला को घर में रहने के अधिकार संबंधी निचली अदालत के आदेश को उचित ठहराते हुए कहा है। यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए अब एक महीने का वक्त पूरा होने वाला है और धीरे धीरे यूक्रेन युद्ध से विनाशकारी आशंकाएं दुनिया के सामने आने लगी है। और अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा आएगा तो रूस परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। जहां एक तरफ देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई। बीते 137 दिनों के बाद ईंधन के दाम में इजाफा देखा गया है। तब पेट्रोल डीजल के दाम में 80-80 पैसे का इजाफा किया गया था। वहीं आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। राजद सुप्रीमो लालू यादव को दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। हालांकि कुछ देर पहले तक ये जानकारी मिल रही थी कि लालू यादव को दिल्ली एम्स में एडमिट करने से इनकार कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें वापस रांची आने के लिए एयरपोर्ट रवाना किया गया था। उन्हें किडनी की तकलीफ के चलते मंगलवार को दिल्ली लाया गया था। बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े मामले में 5 साल की सजा काट रहे लालू यादव को पुनः दिल्ली एम्स में भर्ती करा दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी में अपने सभी निजी कर्मचारियों को इस डर से बदल दिया था कि उन्हें जहर दिया जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि पुतिन ने ऐसा यूक्रेन पर हमला करने से पहले किया था या बाद में। खबरों के मुताबिक जिन लोगों को बर्खास्त किया गया उसमें रसोईया, धोबी, अंगरक्षक आदि शामिल है। मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए आज भाजपा, वीआईपी और राजद तीनों पार्टी के उम्मीदवार अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल करते देखे गए। जिला कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन कोषांग में तीनों प्रत्याशी पर्चा भरते देखे गए। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान अगले महीने होने वाला है। मतगणना भी अगले महीने ही होगी। ब्रिटेन में चीनी स्वामित्व वाले उद्यमों के संबंध में एक विशेष प्रावधान सहित अमेरिका में प्रवेश करने वाले ब्रिटिश स्टील और एल्यूमिनियम से निर्मित उत्पादों पर धारा 232 के तहत लगाए गए टैरिफ को हटाने के लिए अमेरिका और ब्रिटिश सरकार एक समझौते पर पहुंच गई है। वाणिज्य विभाग ने एक बयान में इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा है कि केंद्र सरकार बिहार में टेक्सटाइल पार्क खोलने के अच्छे प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। गोयल ने बिहार सरकार को सलाह दी है कि वो राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए देश भर में रोड शो आयोजित करे। वो दिल्ली हाट में बिहार उत्सव 2022 को संबोधित कर रहे थे। संयुक्त अरब अमीरात यूएई से जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए निवेशक के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे अब्दुल्ला मोहम्मद यूसुफ अब्दुल्ला अल शबानी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लाभजनक कारोबार की बड़ी संभावनाएं हैं। जल्द ही रियल एस्टेट, होटल, अस्पताल निर्माण और बागवानी में निवेश को लेकर सभी अपने प्रस्ताव जम्मू कश्मीर सरकार को सौंपेंगे। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर जहां टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है, वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने मंगलवार को कहा है कि कश्मीरी मुसलमानों को पंडितों से 50 गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि फिल्म के निर्माता देश को नफरत में डुबो देंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री आगे कहते देखे गए कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय होने में कोई शक नहीं है। कश्मीरी मुसलमानों को पंडितों ने 50 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के ऐलान के बाद से ही तमाम पश्चिमी देश रूस पर अलग अलग तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। तमाम कंपनियों ने रूस में अपना बिजनेस बंद कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने भी रूस को अलग थलग करने की कोशिश जारी रखी है, लेकिन इन तमाम सियासी उठापटक के बीच भारत ने इस पूरे मुद्दे पर तटस्थ रुख अख्तियार कर रखा है। भारत के इस रुख से अमेरिका ने नाराजगी भी जाहिर की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव की संभावनाओं के बीच मंगलवार को कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राज्य में कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। एक ट्वीट में विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर मेरी सोच कांग्रेस से नहीं मिलती, पार्टी जमीनी हकीकत से दूर है। बिहार भाजपा के सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बुलाया है। आज बिहार के भाजपा सांसदों ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी सांसदों के साथ बैठक कर नाश्ता करते भी देखे और उसके बाद सुबह 8 बजे सांसदों के साथ उनकी मीटिंग हुई। बिहार के मौजूदा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी भाजपा सांसदों से बातचीत करते देखे गए। जेठ की दोपहरी में पांव जलने की बात अब पुरानी हो गई है। चैत महीने में ही आसमान मानो आग उगल रहा है। भीषण गर्मी पड़ रही है। मई जून की तपिश का एहसास मार्च में हो रहा है। मौसम की तल्खी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अस्पतालों को पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। 9 मार्च को शाम के 7 बजे भारत से चल रही हुई ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान सीमा के 120 किलोमीटर अंदर मियां चन्नू नामक स्थान पर गिरी है। चूंकि मिसाइल के सिर पर कोई आणविक वॉरहेड या फिर पेलोड नहीं था, लिहाजा जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। लगभग 24 घंटे बाद पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तखार ने कहा है कि एक तेज गति से उड़ने वाली वस्तु भारत से आई और स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे से थोड़ा पहले पाकिस्तान क्षेत्र में उतरी थी। श्रीलंका ने सैनिकों को पेट्रोल पंपों पर भेजने का आदेश दिया है क्योंकि ईंधन के लिए रोजाना कतार में लगे हजारों मोटर चालकों के बीच छिटपुट विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दक्षिण एशियाई द्वीप राष्ट्र 7 दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, जिसमें बिजली, ब्लैकआउट, भोजन और रसोई गैस जैसे आवश्यक सामान भी कम आपूर्ति में है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज यानी बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। 29 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में दिल्ली सरकार आर्थिक समीक्षा पेश करेगी। वहीं 26 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। आज सत्र की शुरुआत में जैसे ही एलजी ने बोलना शुरू किया, वैसे ही भाजपा ने कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नारेबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर फिल्म को टैक्स फ्री कराना चाहते हैं तो केंद्र से CGST माफ करा ले, यहां हंगामा क्यों कर रहे हैं। अडानी पावर ने कहा है कि उनके निदेशक मंडल ने अपने 6 पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनियों के अपने साथ विलय कर लिया है और इसके लिए एक समामेलन योजना को मंजूरी दी है। BSE फाइलिंग में कहा गया है कि अडानी पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 22 मार्च 2022 को हुई अपनी बैठक में आवश्यक अनुमोदन सहमति के अधीन कंपनी के विभिन्न पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने दावों और कामकाज को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने मंगलवार को संसद के माध्यम से देश की जनता से एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2024 के अंत तक भारत सड़कों के मामले में अमेरिका की बराबरी करेगा। अगर आप नेशनल हाईवे पर सफर करने के दौरान बार बार लगने वाले टोल टैक्स से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अब 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक ही टोल प्लाजा के होने की घोषणा कर दी है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग अपने खासियत के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वहीं हाल के वर्षों में मधुबनी पेंटिंग का और ज्यादा प्रचार प्रसार देखने को मिला है। फिल्म अभिनेत्री और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी भी बिहार की इस कला की कायल है। हेमा मालिनी ने बुधवार को लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेते हुए मधुबनी पेंटिंग का जिक्र किया। उन्होंने देश के विभिन्न चित्रकारी कलाओं का कपड़ों पर उकेरने और इससे उनकी बढ़ती लोकप्रियता की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। चीन में इस सप्ताह से शुरू हुई विमान दुर्घटना की जांच अभी जारी है, जिसमें बुधवार को उबड़ खाबड़ रास्तों पर बारिश ने खलल डाल दिया है। विमान में 132 लोग सवार थे और सभी के जान जाने की आशंका जताई जा रही है। बारिश के मौसम के बीच खोजकर्ता दुर्घटना स्थल पर विमान के ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और मानव अवशेषों की तलाश में जुटे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान योजना की समीक्षा की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान योजना के अंतर्गत दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान में शिफ्ट करेगी। दिल्ली की आप सरकार झुग्गियों में रह रहे करीब 78,000 परिवारों को वहीं पर पक्के मकान में शिफ्ट करने वाली है। जहां झुग्गी वहीं मकान परियोजना को दिल्ली सरकार 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य तय कर चुकी है। दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट में भाजपा दिल्ली इकाई के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की एक याचिका पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया गया है। बग्गा ने आरोप लगाया है कि स्वामी ने अपने एक ट्वीट में उनके खिलाफ गलत टिप्पणी कर उनकी मानहानि की है, इससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच उठी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के लिए सहयोगी देश के साथ हाथ मिलाएंगे। साथ ही रूसी प्राकृतिक गैस पर यूरोपीय निर्भरता को कम करने के लिए एक नई संयुक्त कार्रवाई की घोषणा करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रदेश में मुख्यमंत्री का पदभार संभालने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने मंगलवार को ये जानकारी दी। देशभर में COVID-19 के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर देशभर में 1778 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 62 लोगों की जान इस दौरान गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से देशभर में COVID-19 के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है व्यासमणि कुमार, सनोज यादव, उमाशंकर, सुभाष ठाकुर, विशाल कुमार जायसवाल, राकेश महतो, ललन केसरी, रंजीत मिश्रा, सीता देवी, जितेंद्र ठाकुर, वैभव सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कम हो रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए बचाव के लिए जारी किए गए प्रतिबंधों को खत्म करने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।